दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है वो साल की दो सबसे बड़ी सेल है और इन सेल में जितना डिस्काउंट मिलता है वो और किसी सेल में नहीं मिलता है। यहाँ तक कि दिवाली सेल से भी ज्यादा डिस्काउंट जो है वो इन दोनों सेल में मिलता है और इसी कारण से लोग इन दोनों सेल का इंतजार करते हैं, स्पेशली अपने बिग टिकट आइटम को परचेज करने के लिए। मैं भी साल के अपने जितने भी बड़े आइटम की परचेज रहती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कोई लैपटॉप हो या कोई लार्ज अप्लायंसेस हो, यहाँ तक कि ग्रॉसरी के भी जो आइटम है पूरे साल भर के मैं इसी सेल के दौरान लेता हूँ। स्पेशली वो आइटम जो साल भर खराब नहीं होते, जैसे डिटर्जेंट, सोप, कॉस्मेटिक्स, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, इस तरह के जो आइटम्स है वो, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पर 60-70% तक डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। और एक और बात दोस्तों, इस सेल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है, क्विक न्यूज है, डील्स है और टिप्स है, वो सब स्पेंड वाइजली का जो डील्स चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर अवेलेबल रहेंगी। 4 महीने पहले ये चैनल स्टार्ट हुआ और ऑलरेडी उस पर 1600 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं और एक्सक्लूसिव डील्स, कूपन कोड्स का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर। स्पेंड वाइजली के डील चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिंड कमेंट में भी दिया हुआ है, वहां से आप स्पेंड वाइजली के डील चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग आज पूछ रहे हैं, इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है, वो ये है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और एमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की जो डेट है 2023 में, वो डेट क्या है। दोस्तों फ्लिपकार्ट और एमेजोन दोनों ने ही अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये दोनों सेल कब आने वाली है। लास्ट ईयर ये दोनों ही सेल मिड सितंबर के आसपास आई थी, तो इसीलिए लोग और भी ज्यादा क्यूरियस होंगे कि इस बार ये सेल अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुई है, क्यों अभी तक फ्लिपकार्ट और एमेजोन पे कोई बैनर नहीं दिख रहा है इन दोनों ही सेल का। सो दोस्तों लास्ट 10 साल से इन दोनों ही सेल को मैं ट्रैक करता रहा हूं, 2013 से जब से ये दोनों सेल स्टार्ट हुई है, और इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो सेल है ये नवरात्र फेस्टिवल का जो पहला दिन रहता है उस दिन या उससे 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट होती है। इस बार का जो नवरात्र फेस्टिवल है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि ये जो सेल है 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इन दोनों पर स्टार्ट होने वाली है। करीब 7 दिन तक ये सेल चलने वाली है। सेल के दौरान जितना स्टार्टिंग में आप कोई डील को लेंगे वो ज्यादातर केसेस में ज्यादा ल्यूक्रेटिव होती है। इंटरनेट पर एक और डेट भी चल रही है कि 23 सितंबर से ये सेल स्टार्ट होने वाली है जो 30 सितंबर तक चलेगी, बट मेरे हिसाब से वो एक र्यूमर है। र्यूमर इसलिए दोस्तों क्योंकि नवरात्र या उससे पहले इस सेल को स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये जो सीजन रहता है जो नवरात्र से स्टार्ट होता है और दिवाली के एंड पर जाकर खत्म होता है, ये सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन रहता है और इस दौरान ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा शॉपिंग लोगों द्वारा की जाती है, काफी अच्छा माहौल रहता है। और इसी रीजन से ये दोनों कंपनी जो है अपनी साल की जो सबसे बड़ी सेल है वो इस सीजन के लिए लाती है। सो अगर 15 अक्टूबर को नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो इन दोनों कंपनी के लिए कोई लॉजिक नहीं बनता कि 23 सितंबर को वो अपनी सेल को स्टार्ट करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा सीजन है वो तो नवरात्र से स्टार्ट हो रहा है, लोग उसी टाइम ज्यादा शॉपिंग करने वाले, तो उससे 20 दिन पहले ऐसी सेल क्यों लाए। हो सकता है मैं गलत हूं बट मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि 15 अक्टूबर या उससे 2-4 दिन पहले ये सेल स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और एमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की डेट्स के बारे में और ब्रीफ अपडेट के बारे में। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन दोनों सेल से रिलेटेड आगे भी बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय।